खतरनाक प्यार मिल रहा है सीन चेंज गाने के लिए को लेके। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि सीन चेंज जो गाना है वो गाना काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इमरान खान वाइब्स एंड ऑल ये वो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इमरान खान जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, एक टाइम पे अपन उनके गाने सुनने के और उनका साउंड सुनने के, और वो टाइम पे लाइक इमरान खान जो साउंड लेके आए थे वो साउंड फटे फ्रेश और न्यू साउंड था, और वो बहुत बड़ा साउंड था, है ना। एंड वो साउंड से ऑब्वियसली बात है ये गाना इंस्पायर्ड है उस वाइब से लेके, क्योंकि दैट इज़ इमरान खान साउंड, जो काइंड ऑफ म्यूजिक और जिस काइंड ऑफ फ्लो में यू नो जाना रहता है। क्यों बनाया मैंने ऐसा, क्योंकि वो गाना मैं बना के मैं इमरान खान को ही भेजा था, उनको ही भेजा, सिंस मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। एंड ये गाना मैं उनके साथ ही बनाने वाला था, बट हम दोनों का गाना अगर साथ में बाहर निकलता तो टाइम लग जाता, क्योंकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है और मैं भी चीज़ों में बिजी, और मैं इसको डिले नहीं करना चाह रहा था। भाई बोल रहे थे कि चलो थोड़ा टाइम बाद निकालेंगे इसको, सही टाइम पे शूट करेंगे, बट मेरे को लगा कि ये गाने को जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। तो इन फ्यूचर उनके साथ यू नो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह इमरान खान, उनके साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ करेंगे। बट यस, जो भी ये बोल रहे कि वैसा साउंड करा ऐसा कर रहा है, अबे नल्ले पहले चेक कर, इंस्पिरेशन है बोले ना अपन समझ में ले, भेजे में डाल पाया, परेशान लोग बोलते अरे भाई ऐसा है वैसा है, कितना एड़े लोग है भाई तुम लोग, मैं बता दे लो कि क्या वाइब है। जितने भी परेशान लोग हैं वो लोग को जवाब मिल गया, बाकी साउंड एकदम फ्रेश और नया दिए लो, बंटाई का मिक्सचर मिला के दिए लो, वहाँ से इंस्पायर होके वाइब लेके अगर उनके साथ आते तो फर्स्ट श्योर पब्लिक को बहुत मज़ा आता है ना, कि देख के इमरान खान आ रहे हुए बंटाई एक फ्रेम में। बट लेकिन इन फ्यूचर अपन करेंगे, बट एट द मोमेंट मेरे को लगा ये गाने को और रुका नहीं सकता मैं, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई अपन ये गाने को रिलीज़ कर देते हैं, इन फ्यूचर अपन कुछ और बनाएंगे। बट यस, सीन चेंज का तुम लोगों ने सीन चेंज कर दिया, प्यार दे दिले, मचा दे ले। और मैं जानता हूँ सब लोग कि ओ टी एस मेरे एल्बम के लिए इंतज़ार कर रहे, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के लिए इंतज़ार कर रहे। इस एल्बम को मैं मेरे हिसाब से निकालना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही चाहिए कि लाइक है ना ये इंडिपेंडेंट तो अपने हिसाब से करते हैं अपन, क्या इस एल्बम को भी अपने हिसाब से डालेंगे अपन, जैसा मेरे को रिलीज़ करने का है, मैं जो वाइब में बैठा हूँ। तो कंपनी जो गाना है मैं बता देता हूँ, वो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम का एक हिस्सा था, वो गाना किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के एल्बम का ही पार्ट है जिसको मैंने पहले निकाल दिया था कि वो थोड़ा वाइब फैल जावे। और क्या बोलते हैं, मैं टीजर तो बहुत पहले डाल दिया था, इंट्रो डाल दिया था, अब बाकी का किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का अनाउंसमेंट मैं आज करता हूँ कि लाइक यू नो मेरे को लगता है अभी सीन चेंज बजा दिया लो, अब रमज़ान महीना आ रहा है इसमें थोड़ा गैप लेंगे, फिर ईद पे किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का ट्रैक ड्रॉप करके अपन के ओ टी एस चालू करते, क्या बोलते, सब लोग तैयार है कि नहीं? हक है बाबा, हक है, कमेंट जो भी करें उनको बहुत सारा प्यार है कंपनी बेस्ट कमर्शियल सॉन्ग देंगे ना, देंगे ना, और भी है, और भी वाइब है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स में, और भी वाइब मिलेंगे तुम लोगों को। बाकी यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच पब्लिक सीन चेंज के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए।